सबको स्वागत है आपका विधि सहयोग ट्रेनिंग रूम। नाम कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। महलघाट सेवा समिति द्वारा बेतवा की साफ सफाई व मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु रखी गई बैठक। विधायक निधि राशि की घोषणा। विद्युत विभाग के एसी पर लोकायुक्त कार्रवाई के विरोध में अधिकारी कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की प्रारंभ। कामकाज रखा बंद। और बेतवा नदी में गहराया जल संकट। पानी की व्यवस्थाओं को लेकर नगरपालिका वन्य विभाग के अधिकारियों ने किया कालिदास बांध का निरीक्षण। अब खबर विस्तार से। बेतवा नदी के महलघाट स्थित शिवालय प्रांगण में महलघाट सेवा समिति द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विधायक शशांक भार्गव पहुंचे, जहां पर बेतवा नदी के प्रदूषण को लेकर मंथन हुआ। वहीं विधायक ने बेतवा की साफ सफाई एवं आधुनिक यंत्रों से पानी को स्वच्छ रखने के लिए विधायक निधि से 10 लाख रुपए की घोषणा की बात कही है। इस मौके पर शहर के वरिष्ठ और गणमान्य जन मौजूद रहे और बेतवा की साफ सफाई सहित मंदिरों के जीर्णोद्धार की बात भी विधायक ने की। सक्रिय हुआ था उसको धीरे धीरे खत्म करेंगे और एरोबिक इकोसिस्टम को शुरू करेंगे। अब ये कैसे काम करता है, जब फाउंटेन चल रहा है तो उसका पानी का एक मूवमेंट हो रहा है, जो नदी की धार पनप रही है उसमें शैवाल एल्गी जो रहती है, जो अपन काई बोलते हैं, जिनमें भी कई ऐसी काई रहती है जो ऑक्सीजन बनाती है और कई ऐसी काई होती है जो कि है ना CO2 बनाती है। मतलब हम लोग उसको डेकोरेटिव भाषा में फाउंटेन कहते हैं, जहाँ कहीं सौंदर्यीकरण में लगे, लेकिन जहाँ नदी में इसका उपयोग है उसको हम लोग मैकेनिकल एरेटर्स बोलते हैं, यानी वो ऑक्सीजन है वो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट में ये जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट था, लेकिन सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा 2010 में कि इसका और कोई सूटेबल अल्टरनेट देखा जाए। उसका कारण ये था कि माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते थे कि कुछ रसूखदारों की जमीन वहाँ पर जो है बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स की नेताओं की वो डूबे ना आए। उसका उस पर काम किया गया भारत सरकार द्वारा, उसकी ऊंचाई कम कर दी 114 मीटर की, उसमें करीब 125-150 MCM पानी स्टोरेज की कैपेसिटी हुई, उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया कि इसमें थोड़ी बहुत डूब में जमीन आ रही है। उसके बाद हमने एक प्रपोजल दिया कि और इसकी ऊंचाई कम कर दूँ और फाइनली 2019 में ये तय किया हमने जो हमारी सरकार थी कि इसमें नर्मदा नदी का जल लाकर कम ऊंचाई का डैम बनाकर एक एनीकट बनाकर जिससे कि किसी की जमीन डूब में ना आए और विदिशा और रायसेन जिले को पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाए। उसके लिए 5 MCM जल प्रतिदिन लिफ्ट करके 3 माह तक नर्मदा नदी से बेतवा नदी में छोड़ने का प्रपोजल पेंडिंग है। अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था जिस दिन विधानसभा का खत्म हुई, तो उन्होंने कहा है कि इस मामले में मैं विचार कर रहा हूँ, आपका पत्र मुझे मिला था और वो हो सकता है भगवान की कृपा से आज यहाँ इसी स्थान पर बैठे हैं कि पूर्वजों का आशीर्वाद भी है, ये काम हो जाएगा तो फिर साल भर बेतवा नदी में पानी बहता रहेगा और परमानेंट सॉल्यूशन जब भी होगा जब साल भर नदी में पानी बहता रहे और सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। उससे करीब 1.5 लाख हेक्टर की सिंचाई होगी, तो मैं समझता हूँ कि पूरी विदिशा विधानसभा और रायसेन से लगा हुआ क्षेत्र है वो पूरा सिंचित हो जाएगा। जी, आज हमने विधायक जी को यहाँ उपस्थित हुए विधायक जी, हमने निवेदन उनसे किया था कि बेतवा शुद्धिकरण के लिए एक ऑक्सीजन एरेटर एक प्लांट होता है जिसको हम साधारण भाषा में फुब्बारा या फाउंटेन कहते हैं, वो फाउंटेन लगाने के लिए हमने निवेदन किया था कि आप अपनी विधायक निधि से पैसा दें और यहाँ फाउंटेन लगाया जाए जिससे बेतवा शुद्ध हो। और घाट को हम साफ करते हैं लेकिन हम नदी साफ नहीं कर सकते, फाउंटेन के माध्यम से नदी का शुद्धिकरण। लगभग कितनी लागत है उनकी? वो 2 फाउंटेन लगाने का हमने निवेदन किया था और उसमें 2 फाउंटेन की लागत 10,14,000 रुपए के आसपास है। उसका विधायक निधि से उनने लेटर हमको यहाँ दिया है
और नगर पालिका के माध्यम से कलेक्टर महोदय के माध्यम से ये यहाँ फाउंटेन लगाए जाएं। कब तक प्रारंभ हो जाएगा कार्य कुछ अंदर? ये प्रारंभ होने की बात तो कलेक्टर महोदय के ऊपर है और नगर पालिका के ऊपर है। हमारा तो यही निवेदन है कि इसको कम प्रक्रिया के करके और 15 दिन के अंदर इस कार्य को प्रारंभ किया जाए। विगत कुछ दिनों पूर्व बिजली कंपनी के एसी को लोकायुक्त द्वारा 15,000 रुपए की रिश्वत का मामला प्रकाश में आया था। उसी के विरोध में बिजली कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। विद्युत विभाग परिसर में धरना प्रदर्शन किया और कार्य न करने की भी बात कही है। अनिल जी, आज क्या मांग है आपकी और किस तरीके बैठे हैं आप? लोकायुक्त द्वारा जो हमारे एसी श्री संपूर्णानंद जी के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो बिल्कुल तुरंत कार्रवाई की गई, जबकि लोकायुक्त के नियम के अनुसार जो है उसमें थोड़ा समय लिया जाता है, एकदम से ऐसे छापामारी नहीं करी जाती। वो द्वेष भावना के तहत कार्रवाई की गई है, उसको हम पूरे तरीके से उस कार्रवाई को नकार रहे हैं। फोरम की तरफ से जो 15 तारीख को अभी रिसेंटली 16 तारीख को हमारे एसी साहब के जो खिलाफ लोकायुक्त की षड्यंत्रपूर्ण कार्रवाई हुई थी उसके विरोध में 17 तारीख को कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया था, जिसमें 3 दिन का कार्यबहिष्कार का समय दिया गया था, और उसके पश्चात दिनांक 21 तारीख को भी 24 घंटे का फिर से अल्टीमेटम दिया गया था और सूचना दी गई थी कि अगर ये माफिया राज और इस तरह से षड्यंत्र पूर्वक ईमानदार अफसरों को फंसाने वाले माफियाओं के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो संपूर्ण विदिशा जिले में कार बहिष्कार किया जाएगा, जिसमें बिजली बंद हो सकती है, उपभोक्ताओं को और जो भी आने वाली समस्याएं होंगी वो उसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार है। परंतु कौन माफिया है, किस तरीके का माफिया, क्या बासौदा निवासी श्री जफर कुरैशी हैं, ठेकेदार हैं, जो वो उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक जो कार्रवाई की है। किसके कौन से अधिकारी? महाप्रबंधक विदिशा श्री संपूर्णानंद शुक्ला जी के विरुद्ध जो कार्रवाई की है उसके खिलाफ आज उसके विरोध में संपूर्ण विदिशा जिले के अधिकारी कर्मचारी द्वारा आज कार्यबहिष्कार किया गया है। यदि इसके बाद भी शासन प्रशासन द्वारा हमारी जो न्याय की मांग है उसको पूरा नहीं किया गया और मांग नहीं सुनी गई तो हम मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम से आह्वान करके संपूर्ण मध्य प्रदेश में भी इस कार्यबहिष्कार को आगे ले जाएंगे। यही हमारी शासन से मांग है कि जल्द से जल्द हम सबकी मांग सुनी जाए और न्याय। इससे पहले लोकायुक्त का एक बार और छापा पड़ा था आपके ऑफिस में, नहीं पैसे लेके पकड़ाए थे, जब आप कहाँ गए थे जब आपने मांग नहीं उठाई थी? नहीं, देखिए जो काम बेतवा का जलस्तर काफी कम हो गया है, विदिशा की आवाम की प्यास बुझाने के लिए वह जल संकट के चलते नगर पालिका द्वारा हलाली डैम से पानी खरीदा गया है। पानी संकट के चलते नगर पालिका अधिकारी सहित अन्य विभाग के जिम्मेदारों ने कालिदास बांध पहुंचकर वहां के हाल जाने और अपनी अपनी बात मीडिया के समक्ष बेतवा के हितार्थ की है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष की हलाली परियोजना से नगर पालिका में पेयजल व्यवस्था हेतु पानी खरीदा जा रहा है और लगभग 30 से 40 लाख का हर साल पानी लगभग वहाँ से 40 लाख लगभग पानी हलाली बांध से पेयजल के लिए लेना पड़ता है। इतना जल मतलब एक बार में लगभग कितना पानी लेते हैं हम? एक बार में हमारे लिए पूल की क्षमता है 20 मिलियन घन फीट क्षमता है, उतना पानी उतना भरते हैं। देखा जाता है नदियों के किनारे ईंटें बनाई जा रही हैं, पानी को गलत लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए अपन क्या पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं? हाँ, उनको समय समय पर उनको जब्ती भी की जाती है और जब ऐसा लगता है जो पानी की चोरी हो रही है तो उनकी मुहिम चलाकर उनकी जब्ती की कार्रवाई की जाती है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अनिल कुमार पाराशर जी, सब इंजीनियर सम्राट अशोक सागर परियोजना। सर, आज से यहाँ पानी छोड़ा गया है, क्या निर्देश है अधिकारी? नहीं, पानी तो पीने के लिए तो लगभग 10 तारीख से चल रहा है जी। लेकिन अभी जो नीचे चोई वगैरह जमा हो गई है उसको हटाने के लिए यहाँ से कालिदास डैम से पानी छोड़ा गया है। कब से शुरू किया पानी यहाँ से छोड़ना? आज से ही शुरू किया है। कब तक चलेगा, क्या उम्मीद है? ये अब हम स्थिति देख के उसका आकलन करेंगे कि कब तक अपने को चलाना है, क्योंकि जैसे ही नीचे साफ हो जाएगी तो बंद कर देंगे। कितना पानी छोड़ा गया है, अब कितने लगभग कर दिया? तीनों वाले 50-60 क्यूसेक पानी यहाँ से छोड़ा जा रहा है।
चित्रकारी के माध्यम से मंजू सोनी द्वारा द कश्मीर फाइल्स के कलाकारों के चित्र को बड़े ही अच्छे ढंग से उकेरा है। वह भी स्वयं के रक्त से आर्टिस्ट मंजू सोनी ने मूवी से प्रेरित होकर सभी कलाकारों को अपने रक्त से चित्र पर उकेरा है। उन्होंने अपने भाव और समर्पण की बात मीडिया से साझा की। लगभग 25 वर्षों से वह आर्टिस्ट हैं। देखिए आप उनकी सुंदर पेंटिंग का नज़ारा। अपनी पेंटिंग के प्रति कि अपने रक्त से आपने द कश्मीर फाइल्स की चित्रकारी जो उकेरी है बड़ी जस्कीतस है, इस बारे में आप क्या कहेंगी? एक्चुअली भैया, जब मैंने ये मूवी देखी तो मुझे मतलब अंदर से ऐसा लगा कि नहीं, कुछ हट के करना है, कुछ मतलब मुझे भी करना है, कि लोगों को दिखाना है कि नहीं, इन लोगों ने जैसे कि खून बहाया कश्मीर पंडितों ने, तो मैं उनका ही मतलब पिक्चर क्यों ना मैं अपने ही ब्लड से बनाऊँ मैं। तो इस कारण मैंने ये पेंटिंग बनाई है भैया। और कल ही मैंने ये पूरा मीन्स मुझे कम से कम 7 से 8 घंटे लग गए पूरा कंप्लीट करने में इस पेंटिंग को, और जो भाव मेरे अंदर आए हैं वो इस पेंटिंग में दिख रहे हैं। कश्मीर फाइल्स का जो आपने चित्र बनाया है बिल्कुल जस के तस, इतना सुंदर पेंटिंग की है, ये प्रेरणा आपको कैसे मिलती है? एक्चुअली भैया, जब मैंने मूवी देखी और उसमें इतना खून खराबा जो हुआ है कश्मीरी पंडितों के साथ, तो मुझे बहुत मतलब अंदर से ऐसी वेदना हुई कि नहीं यार, मतलब मैं भी अपने रक्त से ही ये पेंटिंग बनाऊंगी। ग्राम देव खजूरी के धर्म प्रेमियों द्वारा रंग पंचमी के मौके पर करीला धाम जाने वालों के लिए भोजन प्रसादी का वितरण कर धर्म का लाभ लिया गया। बड़ी संख्या में करीला धाम लोग पहुंचे थे। मोहनगिरी स्थित युवा ब्राह्मण विकास परिषद द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन रखा गया। इस मौके पर ब्रह्म समाज के वरिष्ठ और युवाजन पहुंचे और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं भी दी। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु आज से 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को टीका लगना प्रारंभ हो गया है। शेरपुर स्थित शासकीय विद्यालय में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, जिला स्वास्थ्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और व्यवस्थाएं देखी। वहीं बड़ी संख्या में 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे और बच्चियां पहुंची और टीका लगवाया। टीका लगाने जा रहा है, कितनी उम्र की? 122 जगह आज टीका लगाने का काम चल रहा है। हमको कुल 64,000 का लक्ष्य है, लेकिन जो बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड है 88,000 बच्चे, हम सभी बच्चों को वैक्सीन लगाए। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो साइलेंट तैयारी होंगे, जो स्कूल चाहे प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल, उसमें रजिस्टर्ड नहीं होंगे, और उनको भी हम चिन्हित करेंगे और चिन्हित करके उनका भी हम वैक्सीन। कोरोना महामारी से हमारे देशवासी सुरक्षित रहे, इसके लिए लगातार उन्होंने दिन रात परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए देश को बचाने का काम किया है। वहीं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे प्रदेशवासी सुरक्षित रहे, इसके लिए दिन रात सभी समाज के लोगों, चाहे वो राजनीतिक वर्ग के लोग हों, चाहे हमारे धर्मगुरु हों, सामाजिक हों, व्यापारी हों, सभी को साथ लेकर मध्य प्रदेश को बचाने का काम किया है। आज 12 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन का काम यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। 122 सेंटरों पर विदिशा जिले में वैक्सीन आज लगाई जा रही है। लगभग 88,000 बच्चे हमारे ज़िले में का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 64,800 बच्चे हमारे यहाँ स्कूल विद्यालय में रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा बाकी ऐसे बच्चे कुछ हैं जो कामकाज में लगे हैं या अपने परिवार
के काम काज में हाथ बटाते हैं, जो पढ़ने नहीं आते या ऐसी बेटियां हैं उनको भी चिन्हित करके वैक्सीन लगाया जाएगा। निःशुल्क वैक्सीन माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा देशवासियों के लिए उपलब्ध कराई गई। हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, साथ ही इस अभियान का हिस्सा बने हुए हमारे समस्त अधिकारियों का, स्वास्थ्य विभाग के जागरूकता के लिए हमारे सभी धार्मिक गुरु, हमारे मीडिया के साथ ही जिन्होंने प्रयास करके ये शानदार सफलता हमारे प्रदेश में और देश में अर्जित कराई है। मैं आपके माध्यम से सभी अभिभावकों को, सभी को ये आह्वान करता हूँ कि इस अभियान में अपने बच्चों को जोड़कर उनको सुरक्षित रखें, क्योंकि कोरोना महामारी दुनिया के अनेक देशों में फिर से पैर पसारने जैसी स्थिति में आ गई है। इसलिए हमको अगर सुरक्षित रहना है तो वैक्सीन लगवाना पड़ेगा। आइए हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। 12 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए महाअभियान वैक्सीन का चलाया जा रहा है, उसका हिस्सा बनके हम सब उसमें सहयोग करें। आपके सहयोग के बगैर ये सफलता मिलना असंभव है। इसके पहले भी आपके लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट किया गया है, इसमें कोर्बेवैक्स वैक्सीन आई है जिसका सेकेंड डोज 28 दिन बाद लगेगा। हमने पूरे ज़िले में 122 सेंटर बनाए हैं आज, जिसका टारगेट हमने 22,000 रखा है। पूरा हमारा जो हमें लक्ष्य दिया गया है वो 64,800 बच्चों का दिया गया है और हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। धन्यवाद। क्रांतिकारी अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान दिवस पर शहीद ज्योति स्तंभ पर भाजपा व कांग्रेस के नेताओं ने पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन, विधायक शशांक भार्गव ने तीनों शहीदों को याद करते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डाला। तीनों महानायक क्रांतिकारी वीरों को याद किया। भारत देश जब गुलाम था, अंग्रेजों का साम्राज्य था, उस समय नौजवानों को और देशभक्तों को जगाने का काम लाला लाजपत राय के नेतृत्व में सरदार भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, इनकी पूरी टीम ने एक ज़बरदस्त आंदोलन संपूर्ण देश में छेड़ा। अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और अंग्रेज़ जिसकी हुकूमत पौने 300 साल से हमारे देश में थी वो घबरा गए। उनको लगा कि अब भारत पे राज करना मुश्किल है, नौजवान जग चुके हैं, देशवासी जग चुके हैं। तो जहाँ भगत सिंह जी को उन्होंने फांसी की सज़ा सुनाई, वो फांसी भी उन्होंने कायराने रूप में दी। आधी रात को सारे नियम कायदों को ताक में रख के उनको फांसी दी, सुखदेव और राजगुरु के साथ। उनके बलिदान के बाद ही पूरे देश में क्रांति की ज्वाला भड़क गई और उसी का परिणाम है कि 1947 में अंग्रेज़ों को ये देश छोड़कर जाना पड़ा और आज स्वतंत्र भारत में अगर वास्तव में हम सांस ले पा रहे हैं तो उसमें शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर जी आज़ाद, शहीद लाला लाजपत राय सहित अनेक क्रांतिकारियों का बलिदान है जिसके कारण आज हम स्वतंत्र हैं। आज हम सब उनको श्रद्धा के साथ याद कर रहे हैं। उनकी जो कुर्बानी है निश्चित रूप से हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणादायक रहेगी, देशभक्ति। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर शहीद दिवस पर शहर के अनेक स्थानों पर झाड़ू लगाकर साफ सफाई का संदेश लोगों को दिया गया। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन ने दी जानकारी। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष वैभव पवार जी ने शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का जो आज बलिदान हुआ था, आज ही के दिन पंजाब में लाहौर में उनको फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया था, जिस बहरहमी के साथ अंग्रेज़ों ने सारे नियम कायदों को ताक में रखकर उनको फांसी दी गई थी। उनके बलिदान को एक स्वच्छ दिवस के रूप में भारतीय जनता युवा मोर्चे ने मनाने का फैसला किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चे के दुर्गानगर मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर सफाई झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। सांची रोड कमापार मंदिर में महाबली श्री हनुमान जी सहित अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं विराजमान होंगी, इस संबंध में बैठक का आयोजन हुआ। मंदिर के संस्थापक व जिम्मेदार लोगों ने दी जानकारी। अप्रैल के दिन से
यहाँ कार्यक्रम शुरू होंगे और मुख्य कार्यक्रम 10 मई से 16 मई। कौन सा मंदिर है और कहाँ पर ये? जी कौन सा मंदिर है और कहाँ पर ये? ये प्राचीन श्री राम बावड़ी मंदिर है, ये सांची विदिशा रोड पर कमापार ग्राम के पास है और हाईवे पर है। आप देख सकते हैं नए मंदिर का निर्माण है, दोनों शिखर तैयार हैं, दोनों गर्भगृह बन चुके हैं और अभी यहाँ किन की भगवान की प्रतिमा स्थापित होंगी? यहाँ श्री हनुमान जी महाराज एवं माता जी दुर्गा जी की प्रतिमा है। और आज की खबरों को देते ही प्रोग्राम आप देखते रहिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।